Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PU Mains 2022 के बारे में. जी हाँ गाइस, आप लोगों का PU Mains 2022 का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से आप लोग PU Mains 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से चेक करना है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे PU Mains 2022 के बारे में और डिटेल में जानना. तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे PU Mains का फुल फॉर्म क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे PU Mains का फुल फॉर्म है. ये जो है गाइस एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है. अब गाइस इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको जो है मैनेजमेंट फील्ड में वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये PU Mains एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू. अब गाइस इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल करके जो है सबमिट करना होगा. बात कीजिए एग्जाम मोड की, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा. टोटल गाइस 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा. अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट्स की. सो गाइस अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोगों की PU Mains 2022 के डेट्स अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन वंस जैसे आप लोगों की डेट्स यहाँ पे किस हर एक इवेंट की डेट्स अनाउंस हो जाएगी, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को हर एक पर्टिकुलर इवेंट्स की डेट्स आपको एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी. तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे. सो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा. तो गाइस क्या करना है जिससे एप्लीकेशन रिजेक्ट ना, वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या. सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है विद योर बेसिक पर्सनल डिटेल्स लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस. आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर योर पेरेंट्स डिटेल्स, देन यू शुड एंटर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स. आफ्टर दैट यू हैव टू अपलोड योर सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड सम डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ, एंड लास्टली यू हैव टू पे एप्लीकेशन फी. आफ्टर डूइंग गाइस ऑल दिस प्रोसेस properly आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, अप्रूव होता है, और एल्स एप्लीकेशन जो है आप लोगों का मे बी कैन गेट रिजेक्ट. सो गाइस क्या करना है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, मैं आपको बताता हूँ. सिंपली गाइस जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा PU Mains 2022 का, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा. सो गाइस मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, और ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टू फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस पर्टिकुलर वीडियो में पे करके बताई जाएगी. अब बात कीजिए एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस जनरल कास्ट के लिए 2100 रुपीज आप लोगों की एप्लीकेशन फी रख दी गई है, एंड रिजर्व कास्ट के लिए 1050 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना आप लोगों का काफी ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा. तो गाइस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं कि हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है. फॉर एग्जाम्पल MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी अलग है. तो आप जिसकी भी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है एलिजिबिलिटी के सेक्शन में, वहाँ से कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेकआउट कर सकते हैं. प्लस उसी के साथ वहाँ पे आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा, तो उस पर्टिकुलर की कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करने का आप उसका सिलेबस भी वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न पे. सो गाइस एग्जाम कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 2 आवर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा. हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा.
अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एडमिट कार्ड की। सो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे पीयू में 2022 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन आपको एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। सेम एज इट इज फॉर यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होते आप लोगों को तुरंत नोटिफाई किया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी एमपीयू में 2022 के रिगार्डिंग। इनकेस कोई डिटेल जानना है कोई भी हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।